क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों ले आया? इमरजेंसी है क्या? ये क्या है? तूने मीडिया में अनाउंस कर दिया कि तनु तेरी गर्लफ्रेंड है? ये पता चल गया? मतलब कि न्यूज सही है यार? तूने सच में तनु को, ये तूने क्या किया? पूरा तू समझ क्यों नहीं रहा है? इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अरे तेरे पास दुनिया के सारे रास्ते क्यों ना बंद हो जाए, पर ये रास्ता नहीं है। तुझे पता भी है उस रात को हुआ क्या? उस रात को जब मैं पार्टी में गया, पता नहीं रात को पार्टी में क्या हुआ, लेकिन दूसरे दिन प्रेस में ये बात फैल गई कि मैं तनु के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मेरा नाम, करियर, रेपुटेशन, एवरीथिंग वाज़ अ स्टेक। और दादी भी नाराज हो गई, कह रही थी कि मैंने फैमिली का नाम खराब कर दिया। और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, बड़ी मुश्किल से सब कुछ नॉर्मल हुआ। अरे फिर भी इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले तुझे एक बार तो मुझसे पूछना चाहिए था। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे नहीं बताना चाहता था? मैंने फोन किया पर तेरा फोन नहीं लग रहा था। और दादी वो मान गई? Well, दादी पहले तो गुस्से में थी, लेकिन उसके बाद उन्हें भी समझ में आ गया कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऑफ कोर्स उन्हें मानना पड़ा यार, लेकिन फिर भी ये नहीं हो सकता। तू ऐसा कैसे कर सकता है? तनु तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। कमाल कर रहा है पूरा, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने किसी क्रिमिनल को अपना गर्लफ्रेंड मान लिया। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। दादी उन्होंने खुद को इल्जाम से बचा ली। पर ये हुआ कैसे? रहने दीजिए ना दादी, अब उस सब के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। बस अब सब ठीक हो गया। अरे पर तू मुझे तो बता सकती है। दादी उन्होंने मीडिया से कहा कि तनु उनकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो उनकी गर्लफ्रेंड है तो वो उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे ऑब्वियसली। अब सबको पता चल चुका है कि उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो रिश्ता है, इसलिए अब उन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। थोड़ी देर टीवी देखती हूँ फिर सोऊंगी मैं। न्यूज लगाती हूँ। तनु मेरी गर्लफ्रेंड है। हम लोगों ने अपने इस रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया क्योंकि हम प्राइवेसी चाहते थे। कि इतना सब कुछ हुआ और तूने होने दिया, रोका नहीं? क्या करती दादी, उनके पास भी तो इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। सिर्फ उनकी नहीं पूरे परिवार की बदनामी हो रही थी, उनका करियर खत्म हो सकता था। उनके जिन फैंस ने उन्हें इतना बड़ा स्टार बनाया वही उन्हें समाज का विलन समझने लगते। लेकिन दादी उन्होंने मीडिया को तो बता दिया, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि माँ को ये बात ना पता चले। कि माँ को पता चलेगा तो माँ बहुत नाराज होंगी, और हो सकता है अगर ये घर आए तो इनके प्रति माँ का बर्ताव ही बदल जाए, या अपना गुस्सा माँ डायरेक्टली उन्हीं पर निकाल दे। अविन ने तनु को अपना गर्लफ्रेंड बना लिया है। अगर प्रज्ञा नु पता है? नहीं प्रज्ञा नु नहीं पता, पता होता तो वैसे नॉर्मल ना होती, कहीं बैठी रो रही होती। लेकिन अविन ने अचानक ऐसा क्यों किया? कुछ भी हो मुझे प्रज्ञा से ये बात छुपानी पड़ेगी। इतनी मुश्किल से तो मेरी बच्ची के चेहरे पे हंसी आई है, और वो भी गुम हो जाएगी। नहीं कुछ भी हो मैं नहीं बताऊंगी। पर कब तक? कभी ना कभी तो उसको ये बात पता चली जाएगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये इतनी बड़ी बात हम सरला से कैसे छुपाएंगे? कहीं ना कहीं से तो उसे पता चल ही जाएगा। दादी जब पता चल जाएगा तब की तब देखेंगे, लेकिन जब तक कोशिश कर रहे हैं तब तक कोशिश करनी होगी कि उन्हें ये बात ना पता चले। कि माँ को पता चल गया तो ना वो मुझे इनसे मिलने देंगी ना वहां जाने देंगी। मैं एक आखिरी कोशिश जो करना चाहती हूँ वो भी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मेरी जुबान से कुछ नहीं निकलेगा। अगर कहीं और से उसे पता चला तो वो मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने मुझे याद क्यों नहीं दिया? क्या भाई? कि कल दशहरा है, हर साल हम दशहरा धूमधाम से मनाते हैं, और इस बार आप लोगों में से किसी ने बताया तक नहीं, और दादी आपने भी नहीं बताया। हाँ वो क्योंकि हम इस बार दशहरा नहीं मना रहे। क्यों नहीं मनाएंगे? मैं बोल रही हूँ ना, नहीं मनाएंगे मतलब नहीं मनाएंगे।
ये क्या बात हुई दादी? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? दशहरे का नाम सुनते ही आप लोग चुप क्यों बैठ गए? कुछ हुआ था क्या दशहरे के दिन? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, एक्चुअली पिछली बार ना दशहरे के फंक्शन में आग लग गई थी। थैंकफुली किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन सब लोग उस हादसे से घबरा गए हैं और इसीलिए दशहरा मनाना नहीं चाहते। ये क्या बात हुई? कल को अगर रस्ते पर एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या हम गाड़ी चलाना बंद कर देंगे? पर बेटा, दादी प्लीज, हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आई पर हमने जीना थोड़ी ना छोड़ा है। किसी भी वजह से हमने त्योहार मनाना नहीं छोड़ा ना, तो आप क्यों छोड़ेंगे? और दादी, आप तो दशहरे को बहुत मानती हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे एक्सीडेंट के बाद ये मेरा पहला दशहरा है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरी फैमिली एक साथ मिलकर दशहरा मनाए। मुझे अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, हम सबको अच्छा लगेगा, इसलिए आप डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम दशहरा एक साथ मनाएंगे। और अलिया, तुम एक काम करो, तुम स्पॉन्सर्स को रेडी कर लो, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी मनी। और मैं आके बाकी सब तैयारी करता हूँ। इस साल भी हमारा जो दशहरा है ना, वो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पर होगा, और अगर मेरी सेक्रेटरी आ जाए तो उसे मेरे पास भेजते हैं। पता है ना सबको, पिछली बार क्या हुआ था, इस बार फिर कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से अभी को पिछली जिंदगी का कुछ याद आ जाए। बस अभी को कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर किसी ने कोई गलती की तो मैं माफ नहीं करूंगी। सुन रही है ना तू? सुना और डिसाइड भी कर लिया कि इस बार दशहरा कैसे सेलिब्रेट होगा? भाई के साथ नहीं, उस प्रज्ञा के साथ। मेरी तैयारी तो उसी के लिए होगी ना। अब आओ अभी। वो हम तुम्हारी बात कर रहे थे। बहुत टेस्टी है। अभी मैं ये पूछ रही थी कि वो दशहरे की कुछ प्लानिंग की है, मेरा मतलब है कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अरे भाभी, मैं अपनी सेक्रेटरी का इंतजार कर रहा हूँ, वो आ जाए तो उसके बाद प्लानिंग पर बैठूंगा। सेक्रेटरी? अभी लेकिन मैंने तो उसे आधे घंटे पहले बोला था कि तुमने उसे कमरे में बुलाया है, वो अब तक आई नहीं तुम्हारे पास। आधे घंटे पहले? तो अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे ना वो तो शक्ल से ही कामचोर लगती है। रूम में नहीं आई तो फिर गई कहाँ? अब मुझे ऐसा लगता है शायद वो अपने ऑफिस में होगी। ऑफिस रूम? हाँ, वो तुम्हें बताया नहीं, उसने आउट हाउस को ना ऑफिस में कन्वर्ट कर लिया है, और कह रही थी कि अब सारे काम वो वहीं से करेगी। इतना बड़ा डिसीजन मुझसे पूछे बिना एम्प्लॉई होकर बॉस बनने की कोशिश कर रही है ना, अभी बता दो। मम्मी जी, अब मजा आएगा जब अभी जाकर उस प्रज्ञा की क्लास लेगा। तो क्या आएगा मजा? वो एगल ठीक नहीं कीती है। जो बंदा दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, एक ना एक दिन वो खुद उस गड्ढे में गिरता ही है। मेरी तो जब से आपसे शादी हुई है ना, मैं तो गड्ढे में ही गिरी हुई हूँ, और कितना नीचे गिरूंगी? गिरना गिरना, तुमने अब सीधा स्वर्ग ही जाना है बस। क्या कहा आपने, कहाँ जाना है? मेरा कहने का मतलब ये है कि तू जूस पी, जूस। ऐसे तो बैठे बैठे यहाँ बोर हो जाऊंगी, कोई काम ही नहीं है करने को। मैं वहां पेपर ढूंढ ढूंढ के थक गया, और ये मैडम यहाँ आराम से सो रही। बहुत सर पे चढ़ा लिया, इसे सबक सिखाना होगा। निकिता, गुड मॉर्निंग सर। नींद पूरी हो गई? जी सर। मैंने तुम्हें सेक्रेटरी काम करने के लिए रखा है, सोने के लिए नहीं। मैं सो नहीं रही थी सर। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने देखा तुम्हारी आंखें बंद थी, काम के वक्त सो रही हो। फ्री के पैसे चाहिए तुम्हें? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और तो तुम्हें ऐसा पनिशमेंट दूंगा ना कि घर में सोने से डरोगी तुम। तुमने अपने साथ साथ मेरा और मेरी फैमिली का नाम खराब किया, और नहीं तो क्या?
मेरे पूरे परिवार को मेरे डिसीजन पे डाउट हो गया। सब तुम्हें कामचोर बोल रहे हैं और तुम्हें कामचोर बोलने के साथ साथ कामचोर का टैग मुझे मिल गया है। तुम्हें सजा दूंगा और ऐसी सजा दूंगा कि पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं क्यों डर रही जब मेरी कोई गलती नहीं है? देखती हूँ क्या सजा देते हैं। तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम मेरी फैन नंबर वन हो। मैंने तुम्हें काम करने के लिए फोर्स किया तो तुम्हें यही लग रहा है कि तुम कुछ भी करोगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। सर आप बोल रहे हैं, आप सजा तो दे नहीं रहे। तो चोरी ऊपर से सीना सोरी है। रुको तुम, अभी बताता हूं। सर मैं रुकी हुई हूं, लेकिन आप क्यों रुके हुए? ये तो बहुत ज्यादा उछल रही है। क्या सजा दूं? पूरे आउट हाउस में झाड़ू लगवाता हूं। ये तो पहले से ही साफ है। देखो तुम्हें सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे तुम वहां क्या कह रहे हो? अंदर आओ। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अगर मुझे गुस्सा आ गया मैं पागल हो जाऊंगा, समझी तुम? सर वो आपकी गर्लफ्रेंड। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं उसे हैंडल कर लूंगा। तुम कौन हो? सेक्रेटरी। तो चलिए काम कर ले। इसमें से जो मेरे शोज के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना वो मुझे निकाल कर दो। इतने सारे में से आपके शोज के कॉन्ट्रैक्ट? आई विल हेल्प यू विद दैट। ये सारे पेपर्स देख रही हो? इन्हीं में से। हेलो रावण रेडी हो गया? अरे 12 नहीं 10 सर वाला रावण चाहिए। अब जल्दी से अगर तूने ठीक नहीं किया ना तो तेरा सर काट दूंगा, समझा? और मैं फोन करता हूँ। क्या बात है पूरा, वहां खड़े के मुस्कुरा क्या रहा है? ये अरे मेरी सेक्रेटरी है, मेरी सेक्रेटरी की सेक्रेटरी है ये। तो अगर ये यहां है तो तेरी सेक्रेटरी कहां है? वाह जा कोई रहने दे, मैं कल ही समझ गया था कि यही तेरी सेक्रेटरी है। वो तो बस एक डाउट क्लियर करना था। आई एम वेरी हैप्पी कि तूने इतनी ऑनेस्ट और सेंसिबल इंसान को अपनी सेक्रेटरी रखा। सॉरी है पूरा, मैंने तुझे झूठ बोला, लेकिन वो इसी की वजह से। मैंने तुमसे कल कुछ बोला था ना? सर आपके कॉन्टैक्ट पेपर्स। मुझे शोज की कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, रख दो इसे नीचे। तुम मेरी सेक्रेटरी, ये बात तुमने अपनी फैमिली से क्यों छुपाई? तुमने कहा था ना कि तुम मुझे आज बताओगी, तुमने अपनी फैमिली से झूठ क्यों बोला? मेरी कुछ मजबूरी है। कैसी मजबूरी? अभी तू अभी तक नहीं समझा? तू कौन है? रॉकस्टार? या तू सुपरस्टार है और ये तेरी सेक्रेटरी है। अगर ये बात इसने अपने घर में बता दी तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अरे ये बात पूरे मोहल्ले तक फैल जाएगी और फिर सुबह शाम अंदर बाहर लोग इनका दिमाग खाएंगे। मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, उसे अभी से मिलवा दो, उसकी फोटो खिंचवा दो, सेल्फी खिंचवा दो, ऑटोग्राफ दिलवा दो, राइट? और इनका जीना हराम कर देंगे। अब तू ही बता, ये अपना काम संभालेगी या लोगों को तुझसे मिलवाती रहेगी? सही कह रहा हूँ ना? करेक्ट करेक्ट। अरे वही तो, पूरे मोहल्ले वाले परेशान करेंगे इसलिए घर में किसी को नहीं बता रही। हाँ तो ये बात तुझे कैसे पता चली? लेकिन अगली बार अगर मैं तुम्हारी फैमिली से मिला तब मैं उनसे झूठ नहीं बोलूं, समझी? पूरा अच्छा हो तो सही टाइम पर आ गया, चल मेरे साथ। कहाँ? कैसे सवाल कर रहे हैं, कल क्या है? दशहरा है, उसकी तैयारी भी तो करनी है, साथ में करेंगे ना, चल। दादी आप अभी भी चुप हैं? अब प्लीज ये मत कहिएगा कि प्रज्ञा दी के वापस आने से आप खुश नहीं, तो ये एक्टिंग किसी और के सामने कीजिए।
दादी, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अच्छा एक बात बताइए, हमें किस बात का डर था? यही ना कि अगर प्रज्ञा दी अभी के सामने आएंगी तो अभी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन कुछ गलत हुआ तो नहीं ना, अभी बिल्कुल नॉर्मल है। इनफैक्ट वो प्रज्ञा दी को खुद घर पर लेकर आया है, सेक्रेटरी बनाकर ही सही, लेकिन वो प्रज्ञा दी को अपने साथ रखना चाहता है। आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है? पूरब, तेरी बात मैं समझ रही हूँ, पर तू मेरी बात नहीं समझ रहा। क्या नहीं समझ रहा? मुझे प्रज्ञा से कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं, प्रॉब्लम है मुझे आलिया के और तनु के पागलपन से। जिस दिन प्रज्ञा घर में आई है उसी दिन तनु भी घर में आ गई है, और ऐसी आई है कि हम चाह कर भी उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। मानती हूँ कि अभी को अभी तक कुछ नहीं हुआ, और परमात्मा करे कि ना ही हो, पर खतरा अभी तक टला नहीं है। आलिया, तनु, प्रज्ञा तीनों की तीनों एक साथ घर में हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऊपर से अभी को दशहरा मनाने का भूत सवार हो गया है, और तू जानता है ना पिछले दशहरे को क्या हुआ था। अगर ये सब कुछ देखकर उसे पिछला कुछ याद आ गया और उसके दिमाग में कुछ। दादी आप हमेशा उल्टा ही क्यों सोचती हैं? आप यही क्यों सोचती हैं कि अभी के दिमाग पर उल्टा असर हो जाएगा? कुछ अच्छा भी तो हो सकता है ना। आप देखना, कुछ दिनों में अभी को सब कुछ याद आ जाएगा और उसे कुछ होगा भी नहीं। वो कैसे? एक डॉक्टर है मेरी पहचान का, वो ऐसे केसेस बहुत अच्छे से हैंडल करता है। बस उसके इंडिया आने का वेट कर रहा हूँ, वो अभी को ठीक कर सकता है। सच कह रहा है बेटा? हाँ दादी, अभी तक उसने जितने भी पेशेंट्स हैंडल किए हैं सबकी मेमोरी वापस आई। तेरी बातों से ना मेरा मन हल्का हो गया, अब मैं उसका फिक्र नहीं करूंगी। बस तू जल्दी से जल्दी उस डॉक्टर को घर ले आ। हाँ दादी, उसे इंडिया तो आने दीजिए, बस कुछ ही दिनों में आ जाएगा। ठीक है। अरे तुम काहे बीच में बोल रही, हम कर रहे ना पटर पटर, तुम चुप बैठो। अभी तू अपनी सेक्रेटरी को तो चुप करा लेगा, लेकिन दादी का क्या? तूने उनके बारे में सोचा है? पता है जब से फोन आया वो कितनी परेशान है, क्या तू उनकी बात भी टाल देगा? अभी मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे। अरे आप लोग आपस में लड़ाई क्यों कर रहे? अरे आलिया लड़ नहीं रहे, बस आपस में डिस्कस कर रहे। वो क्या है, किसी उल्लू के पट्टे ने दादी को फोन करके मुझे जान से मारने की धमकी दी। अब सब लोग डर रहे, मुझे कह रहे हैं कि मैं इवेंट कैंसिल कर दूं। आपको मारने की धमकी कौन दे सकता है भाई? एग्जैक्टली, जब मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है तो मुझे कोई मारना क्यों चाहेगा? मैं तो प्रज्ञा को मारने के लिए हायर करके आ रही हूँ, फिर भाई को मारने की धमकी किसने दी? आलिया तुम एक काम करो ना, तुम मेरे साथ जरा दादी के पास चलो, हमें दादी को मिलकर कन्विंस करना है कि अगर हमने इवेंट कैंसिल किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ भाई, आई एम विद यू, आप चलिए। कम ऑन, लेट्स गो। अभी दी कैसे समझाऊं मैं इसे? ये पैसे के आगे किसी की सुनता ही नहीं है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना पूरा, भगवान करे कि किसी ने इनके साथ मजाक ही किया, लेकिन अगर ये मजाक भी है तो हम इसे लाइटली नहीं ले सकते। दीदी एक बात तो फिक्स है, अभी दशहरा तो जरूर मनाएगा और वो दादी को भी कन्विंस कर लेगा, बस हमें कल अभी को सेफ रखना है। आप परेशान मत होइए, मैं पुलिस को कॉल करके सिक्योरिटी का इंतजाम करवाता हूँ, आप बस आलिया पर नजर रखिए, क्योंकि मुझे शक है कि वो इन्हें मारने की कोशिश कर रही। मारने के लिए नहीं, बस टेंशन क्रिएट करने के लिए। वो कोई ना कोई हादसा करवाएगी और नाम आप पर डाल देगी। जब तक आप इस घर में हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहेगी। आप बस आलिया पर नजर रखिएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये मजाक है या सच? क्या पूरब सही कह रहा है? आलिया कहीं ये सब कर रही हो मुझे फंसाने के लिए? अगर आलिया नहीं तो कौन हो सकता? कहीं निखिल तो नहीं? उसने कहीं न्यूज में देखा हो कि तनु अब इनकी गर्लफ्रेंड है और गुस्से में इन्हें? कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, किसी भी तरह से दशहरा का सेलिब्रेशन कैंसिल करवा दीजिए, ये दादी की बात मान जाएं और कल कहीं ना जाएं। देखा ना,
इसी बात का डर था मुझे, इसीलिए तुझे अभी के सामने नहीं आने देती थी। अब आ गई ना उसको मारने की धमकी। दादी लेकिन इस धमकी से मेरे यहाँ आने का क्या कनेक्शन? क्योंकि तेरे आने से पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ना आलिया की कोई प्रॉब्लम थी ना तनु की। 3 महीनों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और कुछ बुरा सुनने को नहीं मिल रहा था। तेरे आने के बाद ही सब कुछ हो रहा है, रोज कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा है। पहले वो पार्टी में जो तनु के साथ हुआ, फिर मीडिया के सामने, ये सब कुछ तो मैं सहन कर चुकी हूँ, लेकिन अब अभी को मारने की धमकी तो। आपको लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे इतना जरूर पता कि तेरे आने के बाद ही सब कुछ हो रहा है। और तू जानती है ना, अभी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। दादी ये मैं नहीं लाई, ये उन्होंने भिजवाया। वो तो खुद आना चाहते थे लेकिन उनके घर पे दशहरे की इतनी तैयारियां हो रही ना तो नहीं आ पा रहे। इस ऊपर वाले का भी जवाब नहीं, क्या दामाद दिया हमें। एक वो पूरब है जो दामाद होने का हक ही खो बैठा लेकिन फिर भी अपना फर्ज निभाता है, और दूसरी तरफ अभी इसे याद भी नहीं कि वो हमारा दामाद है लेकिन फिर भी अपने सारे फर्ज निभा रहा है। वाकई जवाब नहीं ऊपर वाले का। मैं ना जरा चेक करके आती हूँ, देख कर रहा हूँ फिटिंग कैसी आई है। हाँ अभी चेक आती हूँ। मैं भी चेक करके आती हूँ कि ठीक है कि नहीं। प्रज्ञा तू किस सोच में है बेटा? दादी वो एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम है बेटा? दरअसल कल इनके घर पे दशहरा का फंक्शन है ना, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इन्होंने मुझे दे दी। मैंने बहुत कोशिश की थी छुट्टी लेने की लेकिन अगर जिम्मेदारी मेरी है तो मुझे जाना पड़ेगा ना ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं। अब अगर माँ को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत नाराज होंगी। लेकिन तू सरला की फिक्र ना कर, मैं ना कुछ करती हूँ, मैं उसे किसी झूठी टेंशन में फंसा दूंगी, उसका ध्यान इस तरफ जाएगा ही। लेकिन एक बात है बेटा, तुझे पार्टी का अरेंजमेंट इतना बढ़िया करना है, इतना बढ़िया करना है, सब देखते रह जाए। मैं जाऊं जरा जाके चेक करूं मैं भी। हाँ सॉरी दादी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। अगर आपको बताती तो आपको भी टेंशन हो जाती ना। उनकी जान को खतरा नहीं होता तो मैं आप लोगों के साथ ही दशहरा मनाती। पापा जी आपका राज आपके लिए। चल मिताली जल्दी कर, देख किसको क्या आप मिला है। अरे अभी ताई जी का है, हार गई क्या? अभी वो तो पार्लर गई हुई है और मैनिक्योर और पेडिक्योर कराने के लिए। वैसे पुत्र ये सब लाने की क्या जरूरत है, पिछली बार के जो कपड़े आए थे वो भी किसी ने नहीं पहने, ये तो पैसा वेस्ट करने वाली गल होगी ना। अरे जरूरत है ताऊ जी, अब देखिए ना सब लोग कितना खुश लग रहे हैं, और मैं कमाता किस लिए, मेरे लिए मेरी फैमिली की खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं है ताऊ जी। चल ठीक है राज, ये अच्छा लगेगा ना मुझ पर? अच्छा कलर है। मैं कलर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि ये ड्रेस मुझ पर अच्छा लगेगा ना। अच्छा पहन लेने से कोई अच्छा नहीं हो जाता? बाहर से भले अच्छी दिखो लेकिन अंदर से जैसी हो वैसी रहोगी ना। ओह गिफ्ट टाइम, मैं कहीं लेट तो नहीं हो गई? मेरा गिफ्ट भूल गया। हाउ कुड यू भाई, जोकिंग। ये माय गॉड थैंक यू सो मच भाई, आई लव इट भाई, थैंक यू। अरे दादी आप काहे रुकी हो, आप भी दिखाओ ना सबको। हाँ देखती हूँ। ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरी कपड़ों की वजह से तो नहीं? वो ये कपड़े अभी पहने, बहुत काम है ना, जब काम खत्म हो जाएगा तो तुम्हें ये कपड़े
नमस्ते दादी। हैप्पी दशहरा। नहीं वो शुभ दशहरा। कैसा लगा मेरा नया लुक? आज दशहरा है तो मैंने सोचा कि कुछ ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हूँ जो आप लोगों को भी अच्छा लगे। अब अभी सबसे पहले तुम बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अरे क्या तुम तो लाल पीला भी मन कर रहे हो। मॉडलिंग छोड़कर संन्यास ले लिया क्या? ये जोगन बनकर क्यों आई? वो क्या होता है अभी? जो गन नहीं बन लेके घूमते। लग रही हो डिफरेंट लग रही हो है ना? ठीक तबीयत तो ठीक है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ना इसको वो बिजली का झटका लग गया हो, उसकी वजह से इसके ना दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया और इसकी याददाश्त चली गई है। यार पूरा 24 घंटे मेरे आगे पीछे लोग रहेंगे तो मैं वो दशहरे के फेस्टिवल को एंजॉय कैसे करूं? That's not fair to you. अच्छा ठीक है इंस्पेक्टर, जब ये बाहर जाए तो इसके साथ रहना, लेकिन इसे एक सेकंड के लिए भी अकेला मत छोड़ो। ओके हैप्पी। यस। और हाँ सर, मुझे बाहर के साथ साथ घर के अंदर भी पूरी सिक्योरिटी चाहिए। पूरब तो पूरी फौज उठा लाया, इतनी सिक्योरिटी में तो वो शूटर घर के आसपास भी नहीं आ पाएगा। रिलैक्स ब्रो, एवरीथिंग इज कूल। क्या कर रहे हैं? भाई आई नो कि आप बहुत बिजी हैं, एक बार तनु को जाकर मिल लीजिए ना, सब लोग उस पर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा दे। और सब लोगों की छोड़ो, आप भी उसके ऊपर हंस रहे थे। जानते हो कितना बुरा लग रहा था उसे? आई मीन थोड़ी सी छोटी मोटी तारीफ ही कर देते तो शायद उसको थोड़ा सा बेटर लगता ना। शी वाज सो हर्ट, उसे तो इतना बुरा लग रहा था बेचारी को कि आप बोल रही है कि मैं दशहरा ही नहीं मनाऊंगी। क्या? हाँ। और यू नो आपकी गर्लफ्रेंड है भाई, एक बार सॉरी बोल देंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। कहाँ है वो? रूम में चेंज कर रही है। ठीक है मैं उससे मिलकर आता। जल्दी चेंज कर लेते वरना बाद में वक्त ही नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ नहीं, इनके कमरे में चेंज करूंगी तो आलिया या तनु मेरे पीछे ही पड़ जाएंगी। आलिया नीचे गई मतलब उसके कमरे में कोई नहीं होगा, उसी के कमरे में चेंज कर लेती। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये तनु मेरे रूम में क्यों चेंज करेगी? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।